चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के आयोग की पैनी नजर है और इसे लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से एक मीडिया मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है। यहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले लगातार आते रहते हैं। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तरह का प्रयास भी किया जाता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में रांची में मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जहां सभी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। जो भी आचार संहिता के अनुकूल आपको पोस्ट देने हैं वो हम लोग देख रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग डेली बेसिस पे हमारे आगे के डिपार्टमेंट में हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल भी, व्हाट्सएप भी। चुनाव के दौरान इस बात पर खासी निगाह रहती है कि कोई प्रत्याशी कहीं आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ऐसे में अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना तुरंत ऑब्जर्वर को दी जाती है। और हमारे पास यहाँ पे 15, आप देख रहे होंगे, 15 टीवी यहाँ पे हमने इंस्टॉल करवाए हैं, अलग अलग चैनल। और हमारा ज़्यादा फोकस है विधानसभा चुनाव में कि लोकल चैनल को हम देखें, और वहाँ पे अलग अलग लोग यहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं। 24/7 यह हमारा सेल चल रहा है। चुनाव के दौरान आयोग के कई नियम होते हैं जिसके तहत प्रत्याशी या राजनीतिक दलों को निर्धारित किए गए दायरे में ही अपना चुनाव प्रचार करना होता है। ऐसे में अगर कहीं इस बात का ध्यान नहीं रखा गया तो प्रत्याशियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।